गहने पहनने चाहिए या नहीं। मरने वाले से जुड़ी इन चार चीजों का भूलकर भी ना करें इस्तेमाल। जान लीजिए ऐसा क्यों। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्ट्रीट। जी हाँ, यदि आप भी मृत व्यक्ति के सामान का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा करना उचित है या अनुचित, आज मेरे साथ जानिए कि इस पर गरुड़ पुराण क्या कहता है। देखिए, कई बार जाने अनजाने में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण उनके छोटे छोटे कामों में काफी अड़चने आनी शुरू हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती। दरअसल इस तरह की अड़चन पितृदोष के कारण आती है। कई बार मृत व्यक्ति की कुछ चीजों को धारण कर लेने से भी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मृत व्यक्ति की कुछ चीजों को बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले मृत व्यक्ति के पहने गए कपड़े हैं। जी हाँ, मरे हुए व्यक्ति के जो भी कपड़े हैं उसे या तो आप जला दें या फिर घर से बाहर निकाल दें। इसके अलावा उसके द्वारा पहने गए जूते, घड़ी या किसी भी तरह की एक्सेसरीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे खास बात, मृत व्यक्ति महिला या पुरुष के आभूषण, चाहे वह सोने के ही क्यों ना हो, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उस बेडशीट का भी यूज नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए प्रयोग करता था। देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि गरुड़ पुराण के अनुसार इन सब चीजों में मरे हुए व्यक्ति का मुंह समाया हुआ रहता है, और जब आप इन सब चीजों को धारण करते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा आपसे संपर्क करने या फिर आपके आसपास आने की कोशिश करने लगती है। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है और आपके छोटे मोटे काम भी रुकना शुरू हो जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी अड़चने आने लगती है। अगर किसी मृत व्यक्ति के सोने के आभूषण है और वह बेहद ही कीमती है, साथ ही आप उन आभूषणों का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे गलवा दे और उसे एक नया रूप दे दे। यानी कि अगर वह सोने की चेन है तो आप उसे कंगन में तब्दील करा सकते हैं। इससे काफी हद तक प्रेत आत्मा का मोह कम होगा। वहीं बाकी जो चीज है वह 24 घंटे के अंदर ही घर से बाहर निकाल दें या फिर उसे नदी में प्रवाहित कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए।